मित्रे भाइयों, मैं शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 415। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एम के सेठ साहब, जो ITS रिटायर्ड CGM हैं एल सेंटर ट्रेनिंग सेंटर BSNL से। और आपका जो विषय है वो है आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते, भाग 13। इससे पूरी भाग पारा ले चुके हैं। अब हम आदरणीय एम के सेठ साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। आदरणीय सेठ साहब, आप सभी अमृत पुत्रों को परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों को प्रणाम। आपके अंदर जो परमात्मा है वो शीघ्र से शीघ्र वो आपको जनाए, क्योंकि जानना ही बाकी है। बाकी तो आपके पास सभी कुछ है, मेरे पास भी सभी कुछ है, लेकिन हमें जानना है। हमें पाना कुछ नहीं है, हमें जानना है। उस जानने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। तो विषय है आनंद व सफलता पाने के। तो हम पहले सांसारिक दृष्टि से देखेंगे, फिर आत्मिक दृष्टि से देखते हैं कि हमारा जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, जो एम है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य मेरे कैसे पूरा हो। तो अब उसके लिए जब भी कभी हम कोई टारगेट बनाते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, हमें कुछ पाना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बनाया कि मुझे मुझे तो जानना है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि। अब मेरा एक ये टारगेट हो गया। ये टारगेट तक पहुंचने के लिए मुझे करना क्या है, ये जानने की जरूरत है। किसी को प्रेसिडेंट बनना है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को बहुत सुखी होना है, किसी को आनंद के चरम स्तर तक पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास क्या क्या साधन है और उस साधन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो मित्रों, हम आज अभी जहां हैं, पहली बात, मैं हूं कौन ये पहले पता हो, मेरी गाड़ी कैसी है ये पता हो, इस गाड़ी की AMC मेंटेनेंस सीखो, तभी मैं इस गाड़ी के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। तो कहानी, क्योंकि कहानियां लोग पसंद करते हैं, डेल कार्नेगी 10 साल तक लगातार दिन रात फुटबॉल खेलता रहा। लोगों ने तो एक बार एक गुरु ने पूछा कि भाई तुम करोगे क्या फुटबॉल, बोला कमाओ कैसे फुटबॉल, जिंदगी में उद्देश्य क्या है फुटबॉल। तो बोला अच्छा ठीक है, इस फुटबॉल से तुम्हें क्या चीज चाहिए, 101 पॉइंट लिखा डेल कार्नेगी ने, 101 पॉइंट। तो बोला नहीं नहीं नहीं, केवल वो पॉइंट लिखो जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। अभी मैंने पहले बताया था, पहले मैं शारीरिक दृष्टि से आ रहा हूं, सांसारिक दृष्टि से। तो 4-5 पॉइंट ऐसे थे जो उसने लिखा कि इसके बिना तुम्हें जिंदा नहीं रह सकता। बोला ठीक, इस 4-5 पॉइंट के लिए तुम ये बताओ तुम क्या करोगे। बोला फुटबॉल खेलेंगे, फुटबॉल से ही कमाएंगे। तो ओके, बोला जो गुरु ने बोला कि जरा ये बताओ कि तुमको क्या क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा लगता है। बोला जब कोई पब्लिक स्पीकिंग करता तो बहुत बढ़िया था। तो ओके, बोला जरा बोलो। वो बोल नहीं पाया। बोला आप एक काम करो, 6 से 7 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करो पब्लिक स्पीकिंग की, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। डेल कार्नेगी जहां उठता बैठता शीशे के सामने कमरे में अगल में बगल में दोस्तों के साथ बैठता, किसी न किसी टॉपिक पे वो बोलने का प्रयास करता, और 6-7 महीने बाद वो किसी भी टॉपिक पे 2 से 3 मिनट आसानी से बोल पाता था, अच्छी तरह से बोल पाता। गुरु के पास जब गया तो गुरु ने ये पूछा कि जरा अब बताओ कि तुम्हें ये जो 4-5 पॉइंट चाहिए थे, इस 4-5 पॉइंट के लिए अब तुम्हारे पास क्या क्या साधन है। 2 साधन है, एक तो फुटबॉल, एक पब्लिक स्पीकिंग। चलो अब इस फुटबॉल की स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी निकालते हैं और इस पब्लिक स्पीकिंग की स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी थे। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यही स्वॉट एनालिसिस निकालते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए PERT PERT चार्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। दुनिया की हर व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी प्रोजेक्ट होती है वो मेरी अपनी लाइफ, मेरा अपने जीवन का उद्देश्य, और उस उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं ये बहुत जरूरी है जानना। इसी के लिए सारा एजुकेशन सिस्टम है। मेरी जो मेरे लाइफ का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पाने के लिए हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं कि नहीं। याद दिलाइएगा कि इसके लिए हम एक CDOL टेक्नोलॉजी यूज करें और अपने रिसोर्सेज के लिए हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल और रियलिस्टिक एंड टारगेटेड। तो ये भी आप याद दिलाएंगे तो आगे मैं बढ़ूंगा। अब जब इशू है कि मैं हूं कौन, मेरी व्हीकल क्या है, अगर ये जानना है तो जो शास्त्र कहता है मैं तो इंद्रिय अतीत हूं, मैं मन अतीत हूं, मैं बुद्धि अतीत हूं, मैं शरीर अतीत हूं, मैं सारे कोशातीत हूं, मैं भावातीत हूं, मैं त्रिगुणातीत हूं, मैं त्रिगुण सत्य रज तम से भी अतीत हूं। जब मैं ये हूं
जब मुझे पता लगा कि मैं इतना कीमती हूँ, कहने का मतलब मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं तो करंट हूँ, मैं तो पंच तत्व तो नहीं हूँ, ये तो आता जाता है, ये असत्य है, ये पहले नहीं था इस शरीर में, ये जब ये हम शरीर अभी आया बाद में भी ये शरीर नहीं का, ये असत्य है। और इसी तरीके से ये दुनिया पहले नहीं थी, सोने के पहले नहीं थी, सोते समय गायब हो गई, फिर बाद में भी नहीं रहेगी, इसका मतलब ये भी असत्य है। तो मुझे अगर सत्य का मेरा साथ हो जाए, मैं हमेशा सत्य में विराजूं, तो शास्त्र कहता है सत्य तो सिर्फ तुम्हारी करंट है, बल्ब में भी वही करंट है, ट्यूबलाइट में भी वही करंट है, मिक्सी में भी वही करंट है, और जितने भी लिविंग बींग हर एटम में ही वही करंट है, वही आत्मा है। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और ब्रह्म हर कण कण में, हर व्यक्त में अव्यक्त में, दोनों में ब्रह्म हर जगह विराजमान है। ब्रह्म के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है, यही वेदांत का एक लाइन का डेफिनेशन, ब्रह्म के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं, मेरी दृष्टि सत्य पे हो, ब्रह्म पे हो, मेरे स्वरूप पे हो, मेरी आत्मा पे हो, मेरी करंट पे हो, फिर तो मज्जा ही मज्जा, क्योंकि जो अदले बदले मैंने कोई भी प्लान बनाया वो बदल गया, इसलिए मुझे दुख हो जाता है। मैंने जो प्लान बनाया प्रकृति बदल गई, मैंने गर्मी के लिए कपड़े खरीदे पता लगा जाड़ा आ गया, अब मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है, क्योंकि प्रकृति तो परिवर्तनशील है। इसीलिए कहा गया पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति मतलब इसके अलावा, और कहा गया कि भगवान सीता राम, सीता प्रकृति और राम आत्मा। आत्मा तो कुछ करती धरती नहीं, लेकिन आत्मा से ही मेरा ये शरीर चल रहा है, जब तक वो करंट कनेक्टेड है मेरी इस पंच तत्व में, तब तक तो इसमें ये हाथ पैर चलेगा, क्योंकि आंखों की आंख, कानों के कान और इंद्रियों के इंद्रिय अतीत वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, जो मेरे में है, वही आप में है, वही करंट इधर है, वही उधर है, वही उधर है, वही। अब हम फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, मेरा एक टारगेट है, अब इस टारगेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो मेरा लक्ष्य को डिसाइड करने के लिए सबसे जरूरी है कि लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि साल दो साल में आप बदलें, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ अगर हम डिसाइड कर लें, तो डेल कार्नेगी बोलने लगा, फिर अब जब डेल कार्नेगी से लोगों ने बोला कि भाई अच्छा अब बताओ कि भाई दो साल तक तुम टॉप पे रहोगे फुटबॉल में, केवल दो साल तीन साल, उसके बाद तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में तुम, आप अगर किताब भी लिखोगे, आप लेक्चर भी दोगे, तो आप सारी दुनिया में जाने जाओगे, क्योंकि उस समय ज्यादा पैसा नहीं था, ज्यादा पब्लिक स्पीकर नहीं थे, तुम्हारा इंटरेस्ट भी इसमें है। दूसरी चीज ये थी कि आप अगर कोई किताब लिखोगे तो उसकी रॉयल्टी इतनी मिलेगी कि आपका कई पुस्तक चलती रहेगी। आज यही पोजिशन हुई, आप क्या सोचते हैं, हर रेलवे स्टेशन, हर एयरपोर्ट पे आप डेल कार्नेगी की ही आप किताबें पाएंगे, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल, इसी तरीके से बेस्ट पब्लिक स्पीकिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या किताबें हैं, उसकी रॉयल्टी आज मिलियन बिलियन डॉलर है। हर व्यक्ति का एक एज के हिसाब से उसके हार्मोन सेक्रेट होते हैं, हार्मोन सेक्रेट होने के वो हार्मोन से डिसाइड करता है उस समय क्या पसंद करेगा। 0 to 7 ईयर्स में हर बच्चे को पेरेंटल केयर चाहिए, बहुत वो पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहता, और किसी वजह से किसी बच्चे से अगर को नहीं मिला किसी भी वजह से, तो वो बच्चा जिंदगी भर इनकम्प्लीट पर्सनालिटी के साथ रहता है। इवन बुढ़ापे में भी किसी न किसी को माता पिता के रूप में देखता है, 70 साल बाद भी वो किसी न किसी को माता पिता के रूप में देखता है, क्योंकि वो ये लव हार्मोन उसके में डेफिशिएंट है, इसको किसी न किसी तरह पूरा करना ही पड़ेगा उसे। 7 to 14 में फन एंड प्ले है, किसी भी व्यक्ति का फन एंड प्ले है। तो आप बच्चे को जो कुछ सिखाएं, पहले तो पेरेंटल केयर के द्वारा जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं सिखा दें। मैंने अपने बच्चों के साथ किया, बच्चे के साथ मैं खेलता था बचपन से, ना वो बोल पाए ना सुन पाए, लेकिन मैं बोलता रहता था और गेम खेलता था, हार जाता था उससे, देख तो सकता ही था। इस तरीके से कंप्यूटर गेम में भी मैंने इसको लगाया, तमाम सॉफ्टवेयर में लगाया, तो वो बच्चा जो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, मुझे तो नहीं पता लगता था, लेकिन मुझे पता था कि जो भी मैं कर रहा हूं इसकी हार्डेस्ट में जा रहा है, बच्चा एक बहुत उपजाऊ जमीन है, जिस तरह की करेक्टर मैं डालूंगा, जिस तरह की एक्टिविटी डालूंगा, जिस तरह के क्वालिटीज गुण डालूंगा, जिस तरह के सॉफ्टवेयर डालूंगा, इसका सॉफ्टवेयर उससे ज्यादा आगे बढ़ेगा, और टीवी देखेगा तो टीवी के अंदर की भी चीजें खोज लेगा। और यही हुआ, कंप्यूटर 4 साल में वो कंप्यूटर के बारे में इंजीनियर्स को सिखाने लगा, बोल नहीं पाता था, लेकिन वो इंजीनियर्स को सिखाने लगा कि कैसे असेंबल करें, कैसे करें, बोलने वाला मैं था, वो हमें इशारा कर देता था तो वही बोलता था, जबकि मुझे इतना कुछ नहीं पता था उस टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं बैठा जरूर रहता था, प्रेम करता था, मेरी वाइफ की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वाइफ जब भी रात में भी बैठती पढ़ने बैठती, तो माँ
उसकी कभी स्वेटर बनती, कभी कुछ करती, कुछ नहीं कुछ करती, उसके साथ देती। इस वजह से मेरी वाइफ ने भी पढ़ लिया, एमएससी किया, एमबीए किया, क्या क्या किया, बीएड किया, सब कुछ किया। वजह क्या था? उसको पेरेंटल केयर मिली, उसको संगति मिली, अच्छी संगत मिली, और उसको इनडायरेक्ट मोटिवेशन भी हुआ, यस मेरा पढ़ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। माई फ्रेंड, अगर हम अपने बच्चों से, तो मेरे अंदर भी एक बच्चा, मेरा भी एक, तो उस बच्चे का भी देखभाल करना है, मेरा भी एक एम्स ऑब्जेक्टिव है। तो अब मेरे बच्चे के भी साथ भी है, तो हमारे यहाँ जो जनरेशन गैप है, उसके भी बारे में बात करेंगे कि अब मुझे जीवन में वो ब्रह्म चाहिए, वो असीम आनंद चाहिए, वो असीम उत्सव चाहिए, नाचते गाते जीवन जाए। भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया है, युद्ध के बीच में भी रहते हुए कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से आत्मस्थित दृष्टा भाव में, दृष्टा भाव में, और जहां जरूरत हुई वहीं पे उन्होंने गाइड किया। जहां अर्जुन को जरूरत हुई, अर्जुन को एक बच्चे से लेकर के ब्रह्म विद्या तक देने वाले वो श्री कृष्ण, कहां दिया? युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। तो मेरा जीवन भी हर दिन एक कुरुक्षेत्र है। उस जीवन में अगर हम गीता का साथ कर लें, अगर गीता की बात याद रखें, गीता के चिन्हों पे चले, तो मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं कि मेरा, मेरी स्मार्टनेस, मेरा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीचेबल, रीच और रियलिस्टिक, और ये मेरा टारगेट है। टारगेट कैसा हो? जैसा अर्जुन ने, जो अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख दिखती थी, जबकि बाकी को पक्षी दिखता था, पेड़ के बैठा हुआ पक्षी दिखता था, या आसमान में पेड़, पेड़ के ऊपर पक्षी दिखता था, लेकिन अर्जुन की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख पे थी, इसलिए अर्जुन भेद पाया। हम कब अपने टारगेट, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य की तरफ उसी तरीके से अपना 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 एटीट्यूड रखेंगे, जिस तरीके से अपना अटेंशन रखेंगे, कंसंट्रेशन रखेंगे, जिस तरीके से अर्जुन की दृष्टि हमेशा आंख पे थी, मेरी दृष्टि कब हमेशा ब्रह्म की तरफ रहेगी, आत्मा की तरफ रहेगी, और आत्मा की तरफ ही रहेगी तो अनात्मा कहाँ से आएगा, दुख कहाँ से आएगा, अंधेरा कहाँ से आएगा, सुख की तरफ रहेगा, आनंद की तरफ रहेगा, तो हमारा दुख मुझे कहाँ से होगा, असफलता कहाँ से होगी? मेरी दृष्टि, अगर मुझे सफलता चाहिए तो मेरी दृष्टि हमेशा सफलता पे हो, सफलता के तौर तरीके पे हो, सफलता की बात हो, सफलता का ऑडियो वीडियो टेक्स्ट हो, सफलता की कहानियां हो, सफल लोगों की कंपनी हो, सफल लोगों का की कहानियां हम पढ़ते रहे हों, और सुबह से शाम तक हम सफलता के विचारों में घूम रहे हैं, उस पे हम विचारों को क्रियान्वित करें। कहते हैं जैसी कंपनी होगी वैसे ही थाट होगा। अगर सफल लोगों की ऑडियो वीडियो टेक्स्ट और कंपनी रहेगी तो मुझे सफलता के विचार आएंगे। सफलता के विचार को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, पावर ऑफ रेपिटेशन, जप जप और जप, सोहम सोहम की तरह अगर हम जब करते, सा अहम, मैं तो वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। सांस में तो भगवान यही बता रहे हैं कि मेरी हर सांस में सो हम चल रहा है, इस सो हम करते हुए ही मैं तो वही हूँ, मैं तो वही ब्रह्म हूँ, मैं तो हर कण कण में विराजमान हूँ, मैं आपके कान से सुन रहा हूँ, आपकी आंख से देख रहा हूँ, किसी के गले से मैं बोल रहा हूँ। राम कृष्ण खा नहीं पा रहे थे तो राम कृष्ण भगवान, ये नरेंद्र विवेकानंद के कहने पे माता से उन्होंने मांगा कि भाई एक बहुत दर्द होता है, कम से कम दर्द कम हो जाए, मेरा गले का कैंसर ठीक हो जाए। तो माता ने कहा तू अभी तक एक ही गले के चक्कर में पड़ा है, और इतने सारे गले, सारी दुनिया में कितने गले, उन गलों से क्यों नहीं खाता? और जब विवेकानंद आए तो देखा कि रामकृष्ण तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इतने कैंसर के इतने दर्द में भी मुस्कुरा रहे हैं। तो विवेकानंद ने पूछा कि भाई हुआ क्या? बोले नरेंद्र तेरे चक्कर में मुझे बहुत डांट पड़ी माता से, और बस मजा ही आ गया जिंदगी में, मजा ही मजा आ गया, आनंद ही आनंद आ गया। वो माँ ने बोला कि तू एक ही गले के चक्कर में, आज मैं सबके गले से खा रहा हूँ, सबके गले से बोल रहा हूँ, अब तो मुझे चिंता नहीं। कहते एक ही गले के चक्कर में कहाँ पड़े हैं सारे गले मेरे, सारे ये जितने प्रतिबिंब है मेरे, ये जितने लोग हैं मेरे, हर कायनात मेरी, हर इलेक्ट्रॉन मेरा, हर आइटम मेरा, ये सारी नक्षत्र मेरे, सब कुछ मेरे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये मेरे हैं, मैं मानता हूँ कि ये मेरे हैं। एक और कहानी है, एक बार एक राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि भाई सबसे गरीब को पकड़ के लाया जाए, फकीर को पकड़ के लाया गया, वो अपने को सहनता बोलता, राजा को गुस्सा आया, बोला अरे तू करता क्या है? तो बोला भाई मैं नींद आती तो खा लेता हूँ, और अब जब भूख लगती तो खा लेता हूँ, नींद आती तो सो जाता हूँ। अब राजा को फिर गुस्सा आया, अबे ये काम तो मैं भी करता हूँ, अरे ये काम तो मैं भी करता हूँ, तू कैसा फकीर है? बोला राजा साहब आप तो कर ही नहीं सकते। बोला कैसे?
बोला राजा साहब खाते समय आपको बहुत सारे विचार आते होंगे। बोला हाँ। बोला पता नहीं किसका किसका राज्य को हड़पने का प्लान बनाते। बोला हाँ। पता नहीं किसकी किसकी नारी देख के तुम्हारा मन आ जाता होगा। बोला हाँ। पता नहीं किसकी किसकी नारी को खा जाते। बोला हाँ। तो तू खाना ही नहीं खाता, खाने के साथ साथ और खाता हूं। मैं खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं। गिव योर 100% व्हाट एवर यू हैव टारगेटेड माय फ्रेंड। जो भी आपने लक्ष्य बनाया, जो भी आपको पाना है, अगर आप अपना 100, अगर आपका फोकस है, लाइफ इज नथिंग बट योर फोकस माय फ्रेंड। जो जिधर भी फोकस करेंगे, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। इफ दिस प्रिंसिपल वी रिमेंबर तो मेरी एनर्जी जिधर जाएगी मेरी पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी। और ये पेनिट्रेशन पावर बढ़ाने का तरीका है जप 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 अहरनेस अजपा जब चले जो मुझे चाहिए सिर्फ वही वही। जब तक पागलपन ना हो तब तक अचीवमेंट होता नहीं। जो चाहिए उसके लिए मुझे पागलपन पागलपन तो तैयार करना है, मुझे करना है क्योंकि मुझे चाहिए ही चाहिए। चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें पाने से नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती मात्र। जब ये पागलपन होगा तो सारी समस्याएं निगेटिविटी अंधकार अनात्मा हमारे रास्ते में आने से नहीं, वो तो डर के मारे आएगी नहीं। इस पागल के चक्कर में कहाँ पड़ेंगे, ये तो मुझे ही मार डालेगा। अनात्मा कहेगा ये तो मुझे ही मार डालेगा, इसके नजदीक जाने की जरूरत नहीं। तो अब क्योंकि मैं आत्मा हूं, न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार, न जीवा नयन नासिका करण द्वार, तो मैं बुद्धि अतीत हूं, मैं मन अतीत हूं, मैं इंद्रिय अतीत हूं, मैं शरीर अतीत हूं, मैं कोशातीत हूं, मैं भावातीत हूं, मैं त्रिगुणातीत हूं। ये याद है तो चीजें आसान हो जाती है। क्योंकि अगर हमें अपने रिसोर्सेस, मुझे अपने रिसोर्सेस अपने गुण को पता रहे तो उस गुण का हम इस्तेमाल करें। तो अब मेरा टारगेट है स्मार्ट टारगेट, लक्ष्य मेरा स्मार्ट हो। अब स्मार्ट लक्ष्य हो तो अब स्मार्ट लक्ष्य को पाने के लिए स्मार्ट गाड़ी चाहिए। मुझे यहां से मेरा ट्रांसफर हुआ कि भाई मुझे सिक्किम मिजोरम का हेड बनाया गया। जब मिजोरम का जो हेड बनाया गया तो मेरे पास एक टारगेट था आइजॉल जाना था। उस जमाने में आइजॉल जाने के लिए मुझे गुवाहाटी में जाना था, गुवाहाटी से शिलोंग जाना था, शिलोंग से मुझे सिलचर जाना था, सिलचर से वो मुझे आइजॉल जाना था और वहां पे जाना था एज ए स्टेट हेड। अब मेरे पास गाड़ी क्या है ये डिसाइड करना था। उस गाड़ी पे तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य है उसकी गाड़ी क्या है, ये व्हीकल। तो ये व्हीकल मेरी ठीक ठाक है कि नहीं, इस व्हीकल को भी तो ठीक करने की जरूरत है। व्हीकल जब तक ठीक ना होगी गुवाहाटी कैसे पहुंचेगी, मेरे लक्ष्य तक मुझे आइजॉल कैसे पहुंचना होगा, तो पहले तो गुवाहाटी पहुंचना। तो मैंने सोचा कि भाई समय बहुत कम है क्योंकि ज्वाइन बहुत जल्दी करना था। तो मेरे दोस्त ने आपको बार बार मैं वही स्टोरी डिफरेंट एंगल से इसे बताऊंगा, एक ही स्टोरी आपको जीवन के तमाम दर्शन कराएगी। अब ये हुआ कि भाई मुझे रिजर्वेशन यहां से नहीं मिला, तो रिजर्वेशन मुझे इलाहाबाद से मिला, तो मैंने इलाहाबाद से रिजर्वेशन कर दिया। मेरा दोस्त भी रहता था इलाहाबाद में, बोला ठीक है मैं, मेरे पास गाड़ी है, मुझे दहेज में गाड़ी मिली है और मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है। तो वाइफ ने कहा तुम तो चला ही लोगे। तो भाई उस गाड़ी में जब बैठा तो उसने जब स्टार्ट की तो क्लच और एक्सीलरेटर का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक कर नहीं पाया क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं थी। उसके पास नॉलेज थी गाड़ी की लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी, तो स्किल नहीं थी उसके पास। नॉलेज थी, स्किल नहीं थी, इंफॉर्मेशन थी, स्किल नहीं। उसने प्रैक्टिस नहीं की थी, कभी चलाया नहीं था, इसलिए चला नहीं पा रहा था। तो एक ड्राइवर को उसने अपॉइंट किया कि भाई एक ड्राइवर था, उस ड्राइवर को डेली 300-400 रुपए पे रखा हुआ था। उसने बोला कि भाई चलो। अब ड्राइवर का ड्राइवर बैठा और कुछ ऐसा कर दिया कि गाड़ी चली नहीं। तो बोला कि भाई धक्का मारो, कुछ प्रॉब्लम गाड़ी में। चांस की बात है, मैं भी था, मैं समझ गया कि ड्राइवर का एटीट्यूड नहीं है वो। फिर ड्राइवर से मैंने पूछा कि भाई बात क्या है। बोला मुझे मिलना 300-400, मेरे खर्च ज्यादा है, मैं क्यों जाऊंगा। तो बोला धक्का मारो। मैंने कहा अरे तू धक्का मार, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं ड्राइविंग करूंगा, तू धक्का मार अगर तू कहता है तो। फिर बाद में उसने सब बता दिया। तो मैं गाड़ी लेके चला, उसको ड्राइवर को छोड़ दिया क्योंकि उसका एटीट्यूड नहीं था। उसके पास नॉलेज थी, स्किल थी और एटीट्यूड नहीं था। इसको मैं कहता हूँ ASK मॉडल। अगर ये याद रहे, बार बार याद करने की जरूरत है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। यू नीड इन्फॉर्मेशन, यू नीड नॉलेज, के यू नीड नॉलेज एंड यू नीड नॉलेज टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। तो ये आपकी बुद्धि का विकास करेगा, आपकी स्किल बढ़ाएगा। नॉलेज, स्किल एंड देन एटीट्यूड इज आल्सो रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट। तो एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, ASK मॉडल, अगर ये याद रहेगा देन ASK मॉडल। नाउ अब मैं चला, जब मैं चला तो जा करके 4-5 किलोमीटर गया तो मैं तो गाना गाने लगा। मेरा दोस्त बोला भाई 800 किलोमीटर है, तुम सारा 4 किलोमीटर पे इतना एंजॉय क्यों कर रहा है।
मैंने कहा भाई जीरो से चार तक पहुंचे, मैंने पढ़ा है जहां गति हो वहां प्रगति हो, मैं तो थोड़ा सा तो आगे आया, 4 किलोमीटर तो आगे आया भाई, जीरो से चार पे आया। एंजॉय इट, व्हेन यू एंजॉय एवरी माइलस्टोन माय फ्रेंड, यू गेट द एनर्जी, एंड व्हेन यू गेट द एनर्जी देन योर दिस एनर्जी विल फर्दर ड्राइव यू, एंथुसियाज्म मेक्स द डिफरेंस, दिस विल क्रिएट एंथुसियाज्म इन यू, आप आगे बढ़े, जहां गति होगी वही प्रगति हो, अदरवाइज दुर्गति निश्चित है माई फ्रेंड, दुर्गति निश्चित है, चल जो चला वही पहुंचा, चलते चलते ही आप आगे बढ़ेंगे, और चलने चलते चलती का नाम गाड़ी, आप चलते रहिए, आप पहुंच आज नहीं कल तो पहुंच ही जाएंगे। अब हर माइलस्टोन पे मैंने एंजॉय किया, मेरे पढ़े और रास्ते में कानपुर होते हुए मैं इसी तरह इलाहाबाद मुझे टाइम पे पहुंचना था, क्योंकि मेरा एंथुसियाज्म बढ़ रहा था, मैं हमेशा गाता हुआ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब इलाहाबाद पहुंचा तो इलाहाबाद मुझे 15 मिनट पहले पहुंचा ट्रेन के, मैं ठीक समय पे पहुंचा और मैंने गाड़ी पकड़ी, फिर वहां से आगे गया। लेकिन उस गाड़ी पे चढ़ने के पहले मैंने सारे अरेंजमेंट कर रखे थे, कौन सी बर्थ होगी, मेरा ट्रेन का डिब्बा कहाँ लगेगा, मैंने अपने बैग एंड बैगेज को पहले से पैक कर रखा था, इस तरह से पैक कर रखा था कि जो जरूरी सामान है, तो मैंने प्लानिंग प्रॉपर की थी। जब मैं यहां से एक छोटा सा टारगेट, मुझे गुवाहाटी पहुंचना है, याल पहुंचने के लिए एक छोटे से टारगेट के लिए मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी, माई फ्रेंड क्या मुझे अपने लाइफ का, पूरे लाइफ का जो अचीवमेंट करना है, टारगेट बनाना है, लक्ष्य बनाना है, उस लक्ष्य के लिए मेरी प्रिपरेशन कितनी होनी चाहिए, प्लानिंग कितनी होनी चाहिए, ये भी जानने के लिए। सो माई व्हीकल हैज टू बी स्मार्ट, सो दिस व्हीकल विल ड्राइव मी टू रीच द टारगेट, सो इज दिस व्हीकल ओके, इज माई बॉडी इज स्मार्ट, सो स्मार्ट बॉडी के लिए आपको आपको योग भी करना है, जिससे ये बॉडी मेरी स्मार्ट रहे, मेरे सारे सबसे पहले जॉइंट की एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए, मसल्स की होनी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना चाहिए, अमेजिंग बॉडी वी हैव। अब इसके लिए हमें एंजॉय भी करना है, क्योंकि जब तक मैं खुश नहीं हूंगा, आनंदित नहीं होगा, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, तो मैं आनंदित कैसे हूँ ये भी जानना है। अब देखिये 200 करोड़ न्यूरॉन है, 450 करोड़ रास्ते, वाओ सो अमेजिंग माई ब्रेन इज, और ये ब्रेन ब्रेन में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, 95% सबकॉन्शियस माइंड है, 5% कॉन्शियस माइंड है, हार्ड डिस्क इज सबकॉन्शियस माइंड, अलादीन का चिराग है सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड अलादीन का चिराग है। कहते हैं कि आप जो भी कर्म करते हैं आज की डेट में 85% से ज्यादा आपके ब्रेन का कंट्रीब्यूशन है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, मिनिमल 1% 1.5%। जिन लोगों ने इसी को 10% 20% 30% इन्वेस्टमेंट किया, वो आज दुनिया में जाने जाते हैं। हम अपना इन्वेस्टमेंट करें, इसका इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका ब्रेन का डेवलपमेंट, इसके लिए आपको लर्निंग, यू आर अ लिविंग बीइंग एंड डेफिनेशन ऑफ लिविंग बीइंग, यू मस्ट ग्रो एंड यू कैन ग्रो ओनली बाय लर्निंग, एंड लर्निंग फ्रॉम एनवायरमेंट, लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, लर्निंग फ्रॉम द ऑडियो वीडियो ट्रैक्स, लर्निंग इवन फ्रॉम योर चिल्ड्रन, लर्निंग फ्रॉम द सराउंडिंग माय फ्रेंड, यू हैव टू कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जिस दिन मैं सीखूंगा नहीं, मैं वहीं रहूंगा, तो वो दिन मेरा मरा हुआ गया, क्योंकि परिस्थितियां तो ग्रो कर रही है, प्रॉब्लम्स ग्रो कर रही है, सराउंडिंग्स ग्रो कर रही है, हर लिविंग बीइंग ग्रो कर रहा है, एनिमल ग्रो कर रहे हैं, ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, और मैं नहीं ग्रो करूंगा, प्रॉब्लम ग्रो कर गई और मैं नहीं ग्रो करूंगा, सो माय फ्रेंड आई एम गोइंग टू लूज बिकॉज प्रॉब्लम्स आर increasing, expanding, but I am not expanding. So I have to grow every moment. So for growth, I have to learn every moment. So I have to have the attitude of learning. I have to gain the knowledge and I have to practice it to make the skill. And then I have to have the attitude means the direction that I wish to grow. My Brahma Atma Aikyata Mujhe Pahunchna Hai. Mujhe Janna Hai. मुझे मेरे अंदर जो बैठा है, जो मालिक है, जो अजन्मा है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो अखंडित है, मुझे वो जानना ही जानना है। इसके लिए हर पल मुझे उस दिशा में बढ़ना ही होगा, हर माइल स्टोन पे इंजॉय करना ही होगा, और मुझे ग्रो करना ही होगा, लर्न करना ही होगा। बड़ा आसान है, हम भारतीयों के हमारे जीन्स में तो राम कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर हैं, हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, मीराबाई हैं, हमारे सच्चा बाबा हैं, विवेकानंद है, रामकृष्ण, व्हाट नॉट, हमारे जीन्स में तो वही है, सिर्फ उसको पैकेट ही तो खोलना है, पैकेट खोल के तो जानना है, सब कुछ तो अंदर अवेलेबल है, मेरे जीन्स में वही है, तो चूंकि है तो कुछ पाना नहीं है,
एक उंगली से दूसरी उंगली को जोड़ने में तो समय लगता है, लेकिन जानने में कितना समय। यहाँ तो हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्शन, उंगली काम करेगी तभी जुड़ेगी, लेकिन यहाँ तो जो है सिर्फ जानना है। माय फ्रेंड, हम आप सब तो पाए हुए हैं, आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, सभी ज्ञानी पुरुष हैं, सभी महान आत्माएं हैं, और आप लोगों के सत्संग से ही मैंने कुछ सीखा। आप सभी का नमन। अब मेरी स्मार्ट बॉडी हो उसके लिए मुझे तमाम तरीके का, स्मार्ट बॉडी के लिए मेरे इनपुट स्मार्ट हो, इनपुट स्मार्ट में मेरी सेंसेस स्मार्ट हो, कई पांच सेंसेस से ही तो मेरे सारे इनपुट जा रहे हैं, ये पांचों सेंस मेरे स्मार्ट हो। तो पांचों सेंस, मेरी आंख अच्छा देखे, हर चीज में हमारे दिव्य दृष्टि हो, जो दिख रहा है उसके भी अंदर हमें जाना है कि इसका भाव क्या है। मैं सुनूं तो बहुत बढ़िया सुनूं, कोई कुछ भी बोले, मैं कन्वर्ट जो करूं, अंदर जो डालूं, क्योंकि मेरा इनपुट ठीक होगा तभी इस सुपर कंप्यूटर का आउटपुट भी ठीक होगा। मैं बोलूं तो अच्छा बोलूं, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात असत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम। तो अब इस भावना से जो मैं बोलूं, मैं सुनूं, मैं महसूस करूं, मैं देखूं, मैं जो विचारूं, ये सारे चीज पॉजिटिव होंगे, तभी मेरी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। एक दिन में 1 मिलियन थॉट्स वी आर ईटिंग माय फ्रेंड, 1 मिलियन थॉट में 5 लाख से ज्यादा तो पॉजिटिव होने चाहिए, अदरवाइज अपोजिशन जीत जाएगा। मैं डे बाई डे मेरी जो थॉट अकाउंट बैलेंस हमारा जो है माइनस में चला जाएगा, मेरी बैलेंस रोज निगेटिव होती जाएगी। इसी को मैं कहता हूँ एजिंग। बच्चे का, चूंकि बच्चा मैं इसीलिए लेके आया, बच्चा तो इस तरीके से है, उसका ढक्कन ओपन है, इसीलिए बच्चा जो कुछ भी डालिए पहले वो ले लेता है, बाद में देखता है कि प्लस है कि माइनस है, और धीरे धीरे माइनस गिरता जाता है, और बच्चा इसलिए बचपन में बहुत सीखता है। मेरे माई फ्रेंड, क्या मैं इस तरह से हूँ, ढक्कन बंद है, कुछ जाने नहीं देता, पहले ही बहुत तर्क कुतर्क करता रहता हूँ, कोई भी चीज सीखने का पहले जरूर गड़बड़ है, जरूर सामने वाले के कोई ना कोई इसका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट तो है। हम आप मिल करके ही तो विन 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 सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट तो है। हम मैं पहले ही सोच लेता हूँ कि कुछ जाने ना दूंगा, इसलिए एजिंग होती है, इसलिए हमारी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए हमको तमाम दिक्कतें आती है, और लोग कहते हैं भाई लगता है ये बूढ़ा हो गया। माई फ्रेंड, यू कैन बी यंग बियॉन्ड 125 ईयर्स बाई नेचर, बाई योर इनर स्ट्रेंथ, यू कैन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप यो। आप जो पेड़ जितना बड़ा होता है उतना ही छांव देने की ताकत होती है। क्या मैं पेड़ से कुछ सीखता हूँ, पेड़ के हिलने से कुछ सीखता हूँ, कुत्तों के मॉर्निंग में खेलने से कुछ सीखता हूँ, पशु पक्षियों से कुछ सीखता हूँ, न उनके पास घर है, न गाड़ी है, न बंगला है, लेकिन इतना साइकोटेस्ट ने उसने बोला महेश क्या तुम पागल हो गए हो। मैं पागल गया हूँ, लेकिन बड़ा दुख है कि मैं हो गए शादी को, पागलों को बड़ी सुविधा है, कोई ब्लेम नहीं करता, कोई चुटकी काटा तो जब अपने को चुटकी काटा तो मुझे दर्द हुआ, मुझे क्या पता भूत को भी दर्द होता हो। धरती माँ को मैं चरण छूता हूँ, क्योंकि हे धरती माँ, तू तो मेरी माँ है, मेरी माँ से भी बड़ी माँ है, मेरी माँ को भी पालने वाली है। धरती माँ का मैंने चरण छुआ, अपने गुरु का चरण छुआ, और अपना भी चरण छुआ, मैं क्या पता भूत भी छूता हो। अपना चरण इसलिए कि अंदर जो स्वरूप बैठा है, जो करंट बैठा है, आपके अंदर भी बैठा है, मैं किसी का भी छू रहा, बेसिकली मैं अपना ही छू रहा हूँ, क्योंकि सब जगह तो वही करंट राम में भी है, कृष्ण में भी है, मुझ में भी है, आप में भी है, देव साहब में भी है, अरविंद जी में भी है, वागीश जी भी, सब में वही करंट है, मैं तो अपने स्वरूप का पैर छूता हूँ। इसीलिए मैंने नियम बनाया कि जो भी मिलता है, बच्चा हो बूढ़ा हो, मैं सभी का पैर छूता हूँ, और जब भी किसी को देखता हूँ, बुढ़े को देखता हूँ या किसी डेड बॉडी को देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ मेरी डेड बॉडी जल रही है, मेरी डेड बॉडी जल रही है, मेरी डेड बॉडी जा रही है। किसी को बीमार देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि भाई क्या मेरी भी तो ऐसी पोजिशन होनी, कुछ कर लो भाई, कुछ कर लो, आगे बढ़ो, कुछ सीखो, और उसके दर्द में फिर अपना दर्द महसूस करना है। जब भी आप इस भाव से, जब भी मैं इस भाव से रहता हूँ, मैं पहले से बेहतर हो जाता हूँ कि भाई अगले पल का पता नहीं, इंतजाम कर सकता, तो अगले पल का पता नहीं, लेट अस एंजॉय, लेट अस लर्न, और अपने मेरा जो टारगेट है, टारगेट याद आ जाता है, ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध,
असीम आनंद, या किसी को प्रेसिडेंट बनना है, या किसी को किसी सीएमडी बनना है, या सीएम बनना है, या कुछ बनना है, तो मुझे अपनी मुझे जो मेरे लक्ष्य की मेरे मुझे अपनी आत्मा का बोध रहे, लक्ष्य का बोध रहे कि मुझे वहां पहुंचना है, मैं यहाँ हूँ वहां पहुंचना है, तो इस गैप को मुझे कवर करना है। जो मेरी जो व्हीकल है, एक तो व्हीकल ये है शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इससे ही मुझे पहुंचना है। तो मुझे स्मार्ट वाली कहते हैं ये मंदिरों का ताजमहल है, क्योंकि इसी ताजमहल के अंदर तो बैठा है, वो करंट इसी ताजमहल में, इसी बल्ब में है। तो पहले तो हम इसको ताजमहल, इसकी भी रेस्पेक्ट करते हैं, इसको हम हेड नहीं देखते, वरना ये भी मुझे तंग करेगा। इसके लिए भी जो इसके लिए जरूरी चीजें वो भी करते हैं, योग का सहारा। इसीलिए मैं योग का सहारा लेकर के तमाम वर्किंग योगा सिखाता हूँ कि आप बैठेंगे कैसे, उठेंगे कैसे, खाएंगे नहाएंगे, आपका कर्म ही योग हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तो यही बताया, आपकी हर भावना, कहते हैं कर्म निष्काम कर्म योग। योग का मतलब है आप सारी कायनात से जुड़े, आप अपने 50 ट्रिलियन सेल से जुड़े, आप 200 करोड़ न्यूरॉन से जुड़े, आप अपनी सारी इंद्रियों से जुड़े और आप सारे हर हर कण कण से जुड़े, क्योंकि मालिक तो सब जगह वही है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, हर इलेक्ट्रॉन में वही है, हर पत्थर में वही है। तो जब मैं पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ और उसकी पूजा करता हूँ, बाद में जब एक स्टेज के बाद वो कहता भाई मैं तो तेरे ही अंदर हूँ, मैं तो तेरा आपार है, मैं तो तेरे अंदर हूँ, फिर वहां से मेरी जर्नी अंदर होती। जब अंदर होती तभी ज्ञान, तभी ज्ञान आता, और ज्ञान आने के बाद ये फिर मेरा विकास दिन दूना रात चौगना होता, मैं तो वही हो जाता हूँ, वही करता हूँ। पत्थर में मैंने प्राण प्रतिष्ठा की, तब मैंने पूजा, लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की। आप तो परमात्मा, आप तो प्राण प्रतिष्ठित हैं, अवतारी हैं, क्योंकि आपने अवतार लिया, आप पैदा हुए, आप तो अवतारी पुरुष हैं। आपको देख के मुझे परमात्मा की याद ना आवे तो मेरा इस ज्ञान का क्या फायदा। आप तो वही ब्रह्म है, आप तो वही हैं जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, जिसने राम कृष्ण को बनाया। भगवान ने भी कहा है तो मैं तो सब रूपों में हूं, मैं कृष्ण वासुदेव में भी हूं, तो मैं आत्म हूं, आत्मा हूं, परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं, क्योंकि मैं इस शरीर में तो हूं ही, तुम्हारे में भी हूं, मैं अर्जुन भी हूं, मैं हवन भी हूं, हवन की सामग्री भी हूं, मैं अग्नि भी हूं, मैं सब कुछ हूं, आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, इस शरीर के पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूं, आगे भी मैं रहूं। अब मैं आता हूं स्मार्ट बॉडी, स्मार्ट बॉडी के मेरी क्रियाएं ठीक है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये भी जरूरी है, इसको हमें मंदिर की तरह ट्रीट करना है, इसकी भी सफाई करना है। जब पत्नी जब घर में सफाई करती है तो वो पत्नी घर की सफाई करती है, सफाई में बहुत इंटरेस्ट है, 100% इंटरेस्ट। मैं सोचता हूँ भाई ये अपना काम कर रही, मैं कब अपना काम करूंगा, मैं अपने अंदर की सफाई कब करूंगा। उसको देख के मुझे याद आता है कि मैं अपने अंदर की सफाई, जब वो खाना पकाती है मैं कहता भाई मैं कब पकाऊंगा अंदर, मैं अपना भोजन कब करूंगा, अपने ज्ञान को अर्जित कब करूंगा, उसको प्रैक्टिस में कब लाऊंगा, दिन दिन रात मैं उसके भाव में कैसे रहूंगा। 24 घंटे में मुझे कम से कम 17-18 घंटे तो उसी भाव में रहना चाहिए, हर दिन हर पल हर क्रिया हर भाव हर कर्म मुझे अगर उसकी याद ना दिलाए तो मेरा जीना बेकार। फिर क्या है 84 लाख योनि, फिर वही माँ के पेट में न, न, पेट में 9 महीने सुसु पार्टी के बगल में बैठे ने कितना कष्ट माँ को भी दिया, खुद को भी कष्ट दिया, फिर बाहर निकले, पता नहीं मैं अंधेरे से उजाले में आ पाऊंगा, पता नहीं हम लेटे हैं बैठ पाएंगे कि नहीं, पता नहीं बैठे हैं तो उठ खड़े हो पाएंगे कि नहीं। इस प्रोसेस में मैं 10,000 बार गिरा, लेकिन माता पिता सब ने बताया, मैं भी गिर गिर के उठा, मैं भी हार हार के जीता, मैं भी असफल होते होते ही सफल हुआ, तू भी ऐसे ही करेगा, उन्होंने भी हौसला बढ़ाया। 10,000 बार गिरे लेकिन 10,000 एक भी बार उठे। आज क्या हो गया मुझे, आज थोड़ी सी असफलता में क्यों डर जाते हैं। तो अब हार हार के ही हम जीतते हैं, हार की सीढ़ी पे ही चढ़ के हम सफलता पाते हैं। एडिशन 1,064 बार सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के ही जब उसने बल्ब का आविष्कार किया, लोगों ने पूछा यू हैव वेस्टेड 10 लॉन्ग ईयर्स, यू हैव वेस्टेड 1064 एक्सपेरिमेंट, ही सेड नो I have not wasted. Today I know 1064 experiment by which bulb cannot be invented, my friend.
इतने तरीके मुझे पता है जिससे बल का आविष्कार, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर कहता है इन्हीं 1064 एक्सपेरिमेंट पे चढ़ के ही तो मैं बल का आविष्कार कर पाया, हम कब जानेंगे। और उसका तो एक बहुत छोटा टारगेट था, एक संसार जो असार है, जो दावानल है, जो जलती आग है, उसका एक छोटा सा बल का आविष्कार। मेरी मुझे तो जानना है, मुझे सिर्फ जानना है, बैठा है शांति स्रोत बैठा अंदर ही है, सिर्फ ये जानना है, मुझे कुछ पाना भी नहीं है, वो जानना है। और जानने के लिए कितना समय लगेगा, इसके लिए जरूरी है मुझे सिर्फ उसी भाव में रहना है, उसी विचारों में रहना है, मुझे वैसे ही संगत करनी है, और सत्संग से बड़ी कोई नियामत नहीं। ये जो सत्संग है, इस सत्संग के माध्यम से भी हम एक दूसरे को मोटिवेट करते। जब तक पागलपन नहीं हुआ आपको नौकरी न मिली, जो बड़े थोड़े समय की थी, बड़े थोड़े से रिसोर्स के लिए थी। तो मैं तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक मुझे बनना है, क्योंकि मैं जान जाऊंगा तो अहम ब्रह्म अस्मि होऊंगा, जान जाऊंगा तो मेरा टारगेट तो खरबों गुना बड़ा है, अनंत है, असीम है, अखंड है। तो मेरा टारगेट इतना बड़ा है, थोड़ा सा तो ज्यादा प्रयास करना ही पड़े। मैं एक घर बनाने के लिए, एक परिवार पालने के लिए, एक नौकरी पालने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। तो मेरा जो वो परम उद्देश्य, जो 84 लाख योनि का उद्देश्य है, जन्म रहते हुए ही मुझे मुक्ति मिले, जीवन रहते ही वो मुक्ति मिले, जीवन मुक्त हो जाए हम, यही तो हमारे आपका उद्देश्य है। क्योंकि जीवन मुक्त मतलब स्वतंत्र, परम आनंद, परम शांति, परम बोध। तो इसके लिए मेरा प्रयास कितना है, रोज अपने को पूछता हूं कि मेरा प्रयास तो उतना नहीं है जितना और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए। मुझे तो 24 घंटे इसी में लगना चाहिए। तो अब स्मार्ट बॉडी, स्मार्ट सेंसेस, मुझे पांचों सेंसेस से मैंने अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे इनपुट देना है, जिससे ये सुपर कंप्यूटर भी अच्छा रिजल्ट कई गुना दे और मेरे ब्रेन में भी अच्छी अच्छी बातें जाए। ब्रेन का एक स्वभाव है, जो आप इस अलादीन के चिराग को मतलब सब कॉन्शियस माइंड पर जो आप देंगे वही कई गुना ये आपको वापस करेगा। एक बार एक किसान बड़ा थका हुआ था एक पेड़ के नीचे, उसने कहा लाओ थोड़ा बैठ लेते हैं। बैठा तो उसे लगा कि काश मुझे बिस्तर आ जाए, तो थोड़ा सा आराम करने बिस्तर आ गया, लेट गया, बोला काश थोड़ा पानी आ जाए, पानी आ गया, पानी पी लिया, काश थोड़ा भोजन मिल जाए तो भोजन आ गया, भोजन कर लिया। बोला काश ऐसा होता कि मुझे अच्छी नींद आ जाती तो मजा आ जाता, सुबह तो बहुत दूर जाना है, अच्छी नींद आ गई। सुबह जब उठा तो उसे याद आया कि यार ये खाना कहाँ से आया, बिस्तर कहाँ से आया, ये मुझे नींद इतनी बढ़िया कैसे आई, पानी कहाँ से आया, कहीं भूत तो नहीं इस पेड़ में, भूत आ गया, कहीं भूत मुझे मार ना डाले, ये विचार आया तो भूत आ गए और भूत ने उसे मार भी डाला। माय फ्रेंड, जो हम संगत करेंगे वैसे विचार होंगे, फिर जैसा विचार रिपीटेड थॉट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन, रिपीटेड एक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू हैबिट, रिपीटेड हैबिट विल मेक माय करेक्टर एंड करेक्टर विल गिव यू माय मी द रिजल्ट्स। विचार बनाए जिंदगी। पहले तो जो मेरी कंपनी थी ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, जिधर मैं समय व्यतीत कर रहा है वहां से विचार आया, विचार से जो चीज चाहिए वैसी कंपनी ना करेंगे तो वैसे विचार नहीं आने, कुछ मिलने वाला नहीं। तो जैसे विचार करेंगे, कहते हैं दुनिया में अबंडेंस है, देर इज, कहते हैं पूर्णम अदह पूर्णम इदम पूर्णाद पूर्णम उदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही बचता है। इस दुनिया में इन्फाइनाइट रिसोर्सेज है, इस इन्फाइनाइट रिसोर्सेज से आप अगर इन्फाइनाइट भी निकालेंगे तो इन्फाइनाइट ही बचेगा। हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन आपने डिमांड क्या किया, अपने अलादीन चिराग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने आत्मा को, अपने परमात्मा से मांगा क्या है। जो मांगेंगे वही तो देगा। मेरी मांग बताएगी मुझे मिलेगा क्या, मेरी मांग है क्या। सो आस्क, आस्क एंड आस्क, गेट व्हाट एवर यू वांट। एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, कीप ऑन आस्किंग, आस्क, आस्क एंड आस्क, अजपा जप हो, सोहम सोहम सहंसा हम सोहम सोहम सोहम, ये अगर हमारा होने लगे, ओंकार एक ओंकार सतनाम, अगर ये हमारा ये भाव आने लगे तो वो धीरे धीरे अपने को अपने पर्त दर पर्त निकलेगा और अंदर का सूर्य, अंदर का ब्रह्मांड प्रकट होगा, मेरे अंदर का ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध होने लगे।
अब स्मार्ट सेंसेस, चूंकि सेंस मेरी बॉडी को कंट्रोल करता है, अगर मैंने सेंसेस को स्मार्ट कर लिया तो मेरी बॉडी को भी करेगा कहते हैं, और अगर मन को मैंने वश में कर लिया, मन को स्मार्ट बना दिया, स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल स्मार्ट बना दिया, तो मन मेरी इंद्रियों को वश में करेगा, इंद्रियों मेरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, तो मन इसका सुप्रीम बॉस हो गया, और यही मन मुझे आत्मा तक भी पहुंचा सकता है, पहुंचने में भी मदद कर सकता, नहीं भी पहुंचने में मदद। मन लिव्स इन ड्यूअलिटी, मन लिव्स इन आइदर पास्ट और फ्यूचर, हमें इस मन के भी पार जाना है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि है, इसलिए बुद्धि के विकास के लिए एजुकेशन है, जो कि अभी मिसिंग है, क्वालिफिकेशन है। बुद्धि का विकास ही एजुकेशन का उद्देश्य है। मेरी बुद्धि, कहते हैं बुद्धि मतलब सत्य और असत्य में भेद कर पाए, नीर शीर में को सेपरेट कर पाए, सही गलत में पहचान कर पाए, इसीलिए तो बुद्धि है। और इस बुद्धि के विकास के लिए अगर मैंने प्रयास नहीं किया तो मेरा कोई कुछ होने वाला है, क्योंकि बुद्धि ही मन को कंट्रोल करेगी, और मन ही मेरी सेंसेस को, और सेंसेस ही मेरे बॉडी को कंट्रोल करेगी। तो इस बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या किया, हमारा प्रयास है कि नहीं है। तो इस बुद्धि के लिए तमाम उपनिषद, गीता, तमाम महान लोग, तमाम आप जैसे महान अमृत पुत्र हैं, जो हर दिन कोई ना कोई अमृत विचार हम लोगों के अंदर डालते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, तो मन को और मन को, लेकिन बुद्धि भी डुअलिज्म में रहती, कभी यही बुद्धि पॉजिटिव में लग जाती, कभी निगेटिव में, कभी सही चीज को गलत प्रूव करती, कभी गलत को सही कर देती है। इस बुद्धि के ऊपर भी है मेरी आत्मा, अगर मेरी दृष्टि आत्मा में हो तो ये मेरी बुद्धि को भी कंट्रोल करेगी, तो मेरी बुद्धि को। और इस प्रोसेस में तीन है, श्रवण मनन निधि ध्यान के द्वारा ही ये मेरी जर्नी बड़ी आसान हो जाती है, और मैं इस स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के भी बियॉन्ड उस परमात्मा बोध में जा सकता हूँ। अगर राग द्वेष को दूर करने के लिए मेरा निष्काम कर्म, जो गीता बताती है, उपासना, जो हमारे विक्षेप हैं, जो तमाम विचार आते हैं, उल्टे पलटे विचार आते हैं, एक मिनट में हजारों विचार आते हैं, इसलिए हर विचार की स्ट्रेंथ कम है, हम कहीं पहुंच नहीं पाते, स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि एक बार में एक विचार होते, इस विचारों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मेरी निष्काम उपासना है, मालिक से उपासना करें और उसको फाइन ट्यून करें, एक निष्काम उपासना हो। और इसके बाद हमें जो आवरण है, इस आवरण की वजह से मुझे शीशे में भी अपनी फोटो नहीं दिखाई पड़ती, मेरा आत्मबोध नहीं होता, तो उस आवरण को हटाने के लिए मुझे हमें अपने ज्ञान मार्ग की जरूरत है, मुझे बुद्धि मार्ग की जरूरत है, ज्ञान योग की जरूरत है, आप जैसे महात्माओं की जरूरत है, जो ज्ञान की अग्नि से इस आवरण को जलाएगा। ये तीसरा स्टेज है, कहते हैं भगवान जब बहुत खुश होते हैं तो आपको ज्ञान, उनका आशीर्वाद होता, आपको ज्ञान मार्ग में आपको डाल देते हैं, आप ज्ञान मार्ग, क्योंकि लास्ट स्टेज है, इसको कहते हैं डॉक्टरेट डिग्री, आपको ज्ञान मार्ग में डाल देते हैं, और ज्ञान मार्ग से ही, इस ज्ञान की रोशनी से ही आप इस आवरण को जो हटा सकते हैं, अज्ञानता के आवरण को हटा सकते हैं। अगर मुझे दुख है, अगर मुझे चिंता है, अगर मुझे परेशानी है, अगर मुझे असफलता है, उसका एक ही कारण है, अज्ञानता। और अज्ञानता को हटाने का एक ही रास्ता है, ज्ञान की रोशनी। तो ज्ञानी लोगों के साथ रहें, ज्ञानी भाव में रहें, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट में रहें, ज्ञान के रास्ते में रहें, और अर्नेस्ट डिजायर हो 24 घंटे ब्रह्म आत्मा एक बोध, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ऐसे भाव, या जिनके ऐसे भाव हैं उनके साथ अगर हम रहें तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाए। और एक दिन जब वृक्ष के नीचे बुद्ध को रोशनी मिले, फिर उसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रहा, फिर तो तू ही तू ही तू ही, फिर काम क्या बाकी रहा, फिर तो कोई काम बाकी नहीं रहता, आपने जान लिया, जाना है, हमें जानना जरूरी है। जैसे हम जानेंगे ज्ञान की रोशनी, मेरे जितने भी लक्ष्य हैं, असीम आनंद की प्राप्त, फिर तो मैं वही हूँ जो वो है, जो वो है, जो वो है, वही हूँ, ब्रह्म आत्मा है के बोल। अब मैंने ट्रेन में जो जर्नी की, ट्रेन में मैंने रिजर्वेशन पहले कराया था, मुझे बर्थ पता थी, ट्रेन 2 मिनट रुकनी थी, क्योंकि मैंने सारी प्रिपरेशन पहले से कर रखी थी, इतने छोटे से काम के लिए मैंने कितनी प्रिपरेशन की थी, मैंने पैसा पे किया था, तो मैं इतने इसके लिए क्या प्राइस पे करूंगा, मुझे ब्रह्म आत्मा है के बोध चाहिए, मुझे क्या इसकी प्राइस देनी पड़ेगी, उस प्राइस को हम देने के लिए तैयार है। प्राइस क्या है, मेरा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, और उसमें संलग्न रहना, जिस तरीके से मीराबाई नाची,
बीच बाजार में नाची, लोकलाज छोड़ के नाची, तो मीरा ही नहीं रही, कृष्ण ही रह गए। कृष्ण कर्षण आकर्षण का जो केंद्र है, मीरा नहीं रही, कृष्ण ही रहे। इसलिए मीरा ने जो प्रसाद दिया, जो जहर लिया, कृष्ण भाव से लिया, तो जहर के मॉलिक्यूल, पानी के जहर के मॉलिक्यूल भी बदले। इसलिए जहर के मॉलिक्यूल जो मेरे विचार, मेरी भावना, इस वाटर मॉलिक्यूल को भी चेंज किया, उस जहर को भी चेंज किया। जब उसने पिया तो जहर अमृत बना, मीरा को कुछ नहीं हुआ। इस शरीर में भी 70% से ज्यादा पानी है, कब मैं अच्छी भावनाएं रखूंगा, ये वाटर मॉलिक्यूल भी चेंज होगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल चेंज होगा, जापान के जो साइंटिस्ट ने खोजा कि जैसे विचार होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल वैसे बदलते हैं, मेरे विचार मेरे अंदर के मॉलिक्यूल को बदलें तो मेरे विचार पॉजिटिव होते रहे, जिससे मेरे अंदर का मॉलिक्यूल भी बदले, और ये मॉलिक्यूल हमको हमेशा वो मेरे लक्ष्य तक प्राप्त करने में हमेशा मदद दे। तो हमेशा मैं उस आत्मबोध में की तरफ बढ़ूं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं, मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहूं, मैं हमेशा बच्चे की तरह रहूं, मैं हमेशा आनंदित रहूं, हमेशा अपने को मोटिवेट करता रहूं, मैं औरों को मोटिवेट करता रहूं, मैं दूसरों की मदद करता रहूं जिससे मुझे मदद मिले, मैं दूसरों की भावनाओं समझूं जिससे दूसरे भी मेरे वहां से भी मुझे इनपुट आए। जब हम एक कोई एनर्जी है तो मैं रेडिएट कर रहा हूं, तो आर एनर्जी है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में जितने लोग हैं मेरे विचार के वो जुड़ते हैं, वो भी मुझे एनर्जी देते हैं, और वो जब मुझे एनर्जी देते हैं, मेरी एनर्जी बढ़ी, तो फिर मेरा रेडियस बढ़ा, फिर पाई आर स्क्वायर बढ़ा, फिर और ज्यादा लोग जुड़े, फिर हाँ मेरी एनर्जी बढ़ी और आर बढ़ा, पाई आर स्क्वायर बढ़ा, और ज्यादा लोग जुड़े। इस तरीके से डे बाई डे माय एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ पर्सन आर इंक्रीजिंग, सो एनर्जी इज इंक्रीजिंग, माई कंटिन्यूअस ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई गोल टारगेट, माय ब्रह्म आत्म एक्टिव गोल। सो सिंपल, लाइफ इज नॉट डिफिकल्ट। द अदर थिंग इज, अब मेरा मेरी दृष्टि अगर जो टारगेट पे है तब तो टारगेट मिलेगा, लेकिन मेरी दृष्टि अगर टारगेट से अलग टारगेट की प्रॉब्लम पे है, मेरी दृष्टि अगर सोल्यूशन पे है तो सोल्यूशन हजारों सोल्यूशन मिलते जाएंगे। अगर मेरी दृष्टि क्या क्या प्रॉब्लम है हटाने में लगी तो हजारों प्रॉब्लम आएगी, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो वेयर इज माई फोकस, लाइफ इज नथिंग बट माई फोकस, योर फोकस माई फ्रेंड, एंड यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। क्योंकि मैंने आपने जैसे विचार किए, अगर आपने पास्ट और फ्यूचर को काट दिया, प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट में रहने का एक ही तरीका, अगर आप अपनी सांस पे ध्यान दें, आ रहे जा रहे माले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप रास्ते में चलते समय भी ध्यान कर सकते हैं, किसी दिन हम बात करेंगे, चलते उठते बैठते नहाते धोते आप कैसे अपने प्रेजेंट में रह सकते हैं, एंड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। जब आप प्रेजेंट में रहेंगे आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी सारी एनर्जी प्रेजेंट में लग गई, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट में लग गई, आपका फोकस बढ़ा, आपका पेनिट्रेशन बढ़ा। जब आपका पेनिट्रेशन बढ़ा तो नेचुरली आपका अचीवमेंट बढ़ता जाएगा, और आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फाउंडेशन अच्छी होगा, इस फाउंडेशन पे मेरी फ्यूचर की बिल्डिंग आने वाली है, मेरा अगला मोमेंट आने वाला है। अगला मोमेंट भी ठीक हुआ तो मेरी ये आदत पड़ी रही, तो अगला मोमेंट ठीक कर दिया, अगला मिनट ठीक कर दिया, अगले घंटे ठीक कर दिया, अगला दिन ठीक कर दिया, अगला हफ्ता ठीक कर दिया, अगला वर्ष ठीक कर दिया। I am creating my own destiny, my friend. You are creator of your own destiny by being in the present, by giving your 100% to the present. अपने present में आप जब 100% देंगे तो आप you are creating. No past, no future, only in the present. फिर से कुछ कहानी याद दिला दें कि एक बार एक व्यक्ति बोला, भाई मुझे सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? साधु ने कहा, चल मेरे साथ, नदी में गया, उसका बाद नदी में गया, जब गले तक पानी आ गया तो फिर से उसको बाल पकड़ करके नीचे डूबता रहा है, वो लास्ट मोमेंट पे उसने छोड़ा, तो उस व्यक्ति ने कहा, अबे अरे गुरुजी आप तो मेरी जान ही ले लेंगे। तो गुरुजी ने कहा, तो पहले बताओ जिस समय तुम मरने वाले थे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? बोला ऑक्सीजन की। बोला जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में इतनी अर्नेस्ट डिजायर ना होगी जितनी अर्नेस्ट डिजायर तुम्हारा अंतिम सांस लेने के समय ऑक्सीजन की थी, तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। और इसके लिए प्रेजेंट पे रहना जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट ऑनली कैन मेक यू टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। तो हर मोमेंट पे एंजॉय करना है। दूसरी कहानी, पहले मंजिल पे सालों साल एक व्यक्ति एक जैन साधु के पास जाता, पूछता, भाई परमात्मा कैसे है, मिलेगा कैसे, कैसे उनका दर्शन होगा? तो उस 1.5 साल बाद उसने उठा करके पहली स्टोरी से नीचे फेंक दिया, और नीचे जाकर के रोते हुए इसके मरहम पट्टी की। और उस व्यक्ति ने कहा, भाई नाटक क्यों कर रहा है गुरुजी, आप नाटक क्यों कर रहे हैं? पहले तो मुझे ऊपर से नीचे फेंका, फिर आप मुझे बता रहे हैं, अब आप मुझे रो रहे हैं, नाटक कर रहे हैं? उसने बोला, बेटा पहले ये बताओ, जब मैंने फेंका तो उसके बाद क्या हुआ?
बेसिकली हम जब बैठे होते हैं तो मेरा जब पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट में आ जाता है क्लाउड, तो मुझे कुछ दिखता नहीं, फ्यूचर भी मेरे प्रेजेंट में आ जाता है, तो मेरे मेरी दृष्टि के ऊपर तो या तो पास्ट है या फ्यूचर है, या तो मैं पीछे किसी ने गाली दी उसके बारे में सोचना है, या मेरा फ्यूचर का कोई ड्रीम है उसके बारे में सोचना है, हम प्रेजेंट में कहाँ है। जब आप खेलते हैं, जब आप विपरीत परिस्थिति में होते हैं, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जब कोई चीज अचानक होती है, तो माइंड कहता है आई डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल, इसलिए उस मोमेंट पे एंजॉयमेंट है। सडन किसी को अचानक आप गिफ्ट देते हैं या कोई अचानक आ जाता है, आपको आनंद की अनुभूति होती है या आपको भय लगता है, क्योंकि आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। और जिन 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 लोगों को जर्क मिला, बुद्ध को जर्क मिला, बुद्ध ने जब बुढ़े को देखा तो उसका जब सारथी ने बताया कि भाई आप भी ऐसे बुढ़े हो जाएंगे, बीमार को देखा बोला आप भी बीमार पड़ सकते हैं, झटका लगा बुद्ध को, जब मेरे साथ ऐसा होना तो मैं ये कौन सा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब इशू मेरा बुद्ध नहीं है, इशू तो मेरा मैं हूँ कि मुझे कब ये जर्क लगेगा, करंट लगेगा, जिससे मेरे ये पास्ट में और फ्यूचर वाली ये दोनों संभावनाएं खत्म होगी, मैं प्रेजेंट में रहूंगा, क्योंकि मुझे तो अपने टारगेट अचीव करना, तभी तभी तो मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होगी, तभी ब्रह्म आत्मा है कि बोध प्राप्त। मैं कब जागूंगा, मुझे जर्क कब लगेगा, मैं प्रेजेंट में कब रहूंगा, मैं हमेशा सोहम तो हमें कब रहूंगा। My friend, it is not difficult, it is easy, क्योंकि जब आप easy का हल चलाते हैं तभी विचारों का बीज इस मस्तिष्क में कोई पौधा लेगा, तो विचारों का हल आप जब तक जोतेंगे नहीं होने वाला कुछ नहीं। तो विचारों का हल जब easy, तो माइंड आपको हजारों आसान रास्ते बताता है, आप कहते हैं डिफिकल्ट है तो हजारों डिफिकल्ट रास्ता बनाता है। मित्र, ये कोई मुश्किल नहीं है, जीवन बहुत आसान है, सिर्फ जीवन के नियम को जानना बहुत जरूरी है, स्मार्ट एक्ट जरूरी है। मेरा जो मेरी बॉडी स्मार्ट हो, मेरे सेंसेस स्मार्ट हो, मेरे इनपुट स्मार्ट हो, मेरी बुद्धि, मेरा मन भी स्मार्ट हो, मेरी बुद्धि भी स्मार्ट हो, और ये सारे के सारे टूल्स, ये टूल्स किस लिए हो, ये सारे व्हीकल्स किस लिए हो, उस टारगेट को अचीव करने में हो, तब तो है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है तो पता लगा जाना था गुवाहाटी, पहुंच गए कश्मीर। तो डायरेक्शन मेरा वही हो, एटीट्यूड मेरा वही हो, तभी हम पहुंच पाएंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है माय फ्रेंड। अब मैं ट्रेन में पढ़ा बैठा चला गुवाहाटी, मुझे जाना था, मैंने टिकट जो खरीद रखा था सिलचर का, एक मित्र थे उन्होंने खरीद रखा था इलाहाबाद का, लेकिन जैसे इलाहाबाद के आगे ट्रेन, उन्होंने मुगल सराय का खरीद रखा था, मुगल सराय के आगे जब गए, वो आदमी आगे गया क्योंकि उसको जाना था कहीं और आगे, उसने सिर्फ मुगल सराय के टिकट टीटी ने आया उसको पकड़ा गया, भाई पेनाल्टी लगा दी। लेकिन अचानक मेरा एक दोस्त जो रहता था बीच में, एक स्टेशन कूच बिहार पड़ता था, उसने कहा यार यहीं उतर जाओ, यहीं से हम चलेंगे, चूंकि मैंने टिकट खरीद रखा था, टारगेट बना रखा था गुवाहाटी का, उसके पहले तो हम उतर सकते थे। लेकिन मेरे उस दूसरे लोग जो ट्रेन दूसरा व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा था उसने टिकट खरीद रखा था मुगल सराय का, और उसके आगे चला गया तो उसको टीची ने पकड़ लिया। माय फ्रेंड, जितना बड़ा टारगेट होगा अल्टीमेट आप वहीं तक पहुंचेंगे। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, प्लीज कीप थिंकिंग बिग। और हमें आपको तो ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम आत्मस्वरूप हैं, उसको पाए बगैर तो मुझे आपको मजा आएगा ही। तो आप टारगेट को शिफ्ट करते रहेंगे, माइंड भी कंफ्यूज रहेगा, पहले कुछ रखा, 3 साल में कुछ और रखा, 5 साल में कुछ और रखा, कि भाई किसी तरह फर्स्ट आ जाए, किसी तरह नौकरी मिल जाए, किसी तरह से छोकरी मिल जाए, किसी तरह से बच्चे मिल जाए, किसी तरह से घर बन जाए, हम टारगेट को शिफ्ट करते रहे। मैंने बहुत छोटे छोटे लाइफ के टारगेट बनाए और हमेशा टारगेट बड़ा कंफ्यूजन रहा, लेकिन क्या मजा आया, जिस मजे के लिए मैंने ये सब किया, क्या मजा आया? मजा इसलिए नहीं आया कि मैंने लाइफ का अल्टीमेट एम तो किया नहीं। अगर मैंने एक इंफ्रा जो इस मैंने एम पूरा बड़ा बनाया होता, ये सब छोटे एम उसके पार्ट होते, तो ये उसी डायरेक्शन में जाते, मैं आनंद उठाते उठाते अपने अंतिम जो लक्ष्य तक पहुंचता। क्योंकि अगर शुरू में हमने टारगेट बनाया होता ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध का, तो मैं जो कुछ भी करता, कीपिंग अल्टीमेट एम इन लाइफ, जो कुछ भी करता मेरा अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, तो मैं पढ़ता भी तो मेरा एम वही होता, तो मैं उसी तरह की पढ़ाई करता, उसी तरह से चलता, साथ में मेरी जो एक्टिविटी है अपने आत्म जो अपने लक्ष्य को साथ में रखने की, लक्ष्य पे दृष्टि बनाए रखने की, अर्जुन की तरह पक्षी की आंख पे ही दृष्टि बनाए रखने की, तो मुझे बहुत आसानी होती, धीरे धीरे मैं अपनी उस डायरेक्शन में ही बढ़ता जाता, मैं अपोजिट डायरेक्शन में न जाता, और मेरा माइंड भी कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ मेरे अभी भी दृष्टि में है।
स्मार्ट बुद्धि के लिए मुझे स्मार्ट लोगों के साथ मिलना है, स्मार्ट ऑडियो वीडियो टेक्स्ट रखना है, मेरे उपनिषद सिर्फ और सिर्फ मेरी आपकी बड़ाई करते हैं, तो उपनिषद को भी जानना जरूरी है और गुरु के समीप ये बहुत आसान होता है। गीता और कुछ नहीं है, गीता रूपी जो गाय से, अरे उपनिषद रूपी गाय से भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्वाले ने जो दूध, जो गीता रूपी जो अमृत जो हमारे आपके लिए दिया, इस ये अगर इसको हम तात्विक दृष्टि से देखें तो एक गीता ही सफिशिएंट हो जाए मेरे मुझे अपने अल्टीमेट एम। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट किया गीता को, अर्जुन से स्टार्ट किया कि अर्जुन को पहले तो दुख दूर करने के लिए सबसे पहले शरीर भाव को कहा अगर तुम जीत जाओगे तो यहाँ का स्वर्ग और हार जाओगे तो वहां का, हार जाओगे तो ऊपर का स्वर्ग मिलेगा, चिंता क्या, पहले शरीर भाव में रहे। धीरे धीरे क्लास 1-2 पे ले गए, 3 पे ले गए, 4 पे ले गए, फिर मीराबाई की तरह उस भक्ति मार्ग में भी ले गए, पहले तो कर्म में, फिर निष्काम कर्म योग में लेके गए कि भाई निष्काम कर्म योगी बनो, तो उसके बाद फिर लेके गए उपासना, फिर निष्काम उपासना में उपासना के तरीके बताए, फिर उसके बाद फिर इसको उपासना के बाद लेके गए ज्ञान कांड में लेके गए कि भाई ज्ञान से ही आप इस अपने अज्ञानता के आवरण को खत्म कर सकते हैं, और उसके बाद बोला भाई अब ये सारी किताबें अलग रखो, इस किताबों को अलग रखो, इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करो, लिसनिंग थिंकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन LTI टेक्नोलॉजी, कीप लिसनिंग श्रवण मनन निधि आसन, आप सुनते रहें, सुनते सुनते आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, उसको विजुलाइज करेंगे और जीवन में उतारेंगे, और उसके बाद उसको एनालिटिकली देखना है क्या हमारे लिए जरूरी, मुझे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थिंकिंग चाहिए, एनालाइज करना है कि जो आपने पढ़ा है उसको एनालाइज करना है, मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत है, बाद में उसको लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट भी करना है, हमारी स्किल भी बढ़ाना, जो जो गुण आपने सुना, जो जो तरीका अपनाया, जो जो टूल्स थे, जो जो आपके रिसोर्सेस थे, उस रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करके आप अपने टारगेट पे गए, उसको अपने जीवन में उतारा, बोला अब तो किताब अलग रख दो, इसको इम्प्लीमेंट करो, और उसके बाद कहा अब एक काम करो, ये सब कुछ कर लिया पढ़ लिया, अब कुछ ना मेरी शरण में आ जाओ, कृष्ण अर्पण कृष्ण अर्पण, जो भी कुछ करो, सांस लो तो मुझे अर्पण करो, और कुछ चलो तो मुझे अर्पण करो, कुछ मनन करो तो मुझे अर्पण करो, मंत्र जपो तो मुझे अर्पण करो, खाना खाओ तो मुझे अर्पण करो, नहाओ तो मुझे अर्पण करो, नहाते समय भी रुद्राभिषेक करो, तुम कृष्ण को ही नहला रहे हो, शंकर को ही नहला रहे हो, खा रहे हो तो उसको मुझे ही खिला रहे हो, जो कुछ भी हो मेरे सिवा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, मैं तो हर जड़ चेतन में हूँ, मैं हर हर कण कण में हूँ, मैं हर व्यक्ति में हूँ, हर पर्सनैलिटी में हूँ, मैं पत्थर में भी मैं हूँ, और भावों में भी मैं हूँ, करता भी मैं हूँ, कराता भी मैं हूँ, खाता भी मैं हूँ, खिलाता भी मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, सा अहम सहम, मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं तुझमें भी हूँ अर्जुन, मैं कृष्ण, मैं वासुदेव में भी हूँ, मैं दुर्योधन में भी हूँ, मैं धर्मराज युधिष्ठिर में मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं, कहते अब तो तू मेरी शरण में आ जा, सब कुछ कर लिया, अब किताबों को अलग रख लो, मैं किताबों से वेदों से भी श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि ये किताब, ये पुस्तक, ये वेद, ये उपनिषद मेरे तक पहुंचाने के लिए थे, ब्रह्म तक पहुंचाने का रास्ता था, इस ब्रह्म तक पहुंचाने के रास्ते थे, और इस रास्ते में मुझे अचीव करना, इन किताबों के अहंकार में मत पड़ जाना, इस ज्ञान के अहंकार में मत पड़ जाना, अब सब कुछ तू मुझे समर्पित कर दे। वो देख लीजिए मैं क्या किया, मैंने टेक्नोलॉजी यूज की, मैंने स्मार्ट बॉडी, स्मार्ट सेंसेस, स्मार्ट माइंड, स्मार्ट ब्रेन, और इसके द्वारा मैं अपने अपने स्वरूप को मैंने पहचानने की कोशिश की, ASK मॉडल यूज किया, एटीट्यूड स्किल और नॉलेज, विन 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 टेक्नोलॉजी यूज की, जिससे मैं भी जीतूं आप भी जीतूं, जैसे इस सेशन में आप हम लोग करते हैं, हम एक दूसरे को जताते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, जिससे कि हमारी ताकत एक एक मिलके 11 हो, 1+1 या 1-1 ना हो जाए, एक एक मिलके 11 हो, और इतने सारे 2500 लोग हैं तो 1-1-1-1 करके बहुत सारे हो गए, और इसी तरीके से हमने इस्तेमाल किया कि किस तरीके से हम अपनी स्मार्टनेस को बढ़ावे, अपने लक्ष्य को केंद्रित कर कैसे करे करके रहें, कैसे हम हमारा दृश्य हमारी आत्मा में ही रहे, नहीं तो अनात्म में चली जाएगी, कहते हैं जिस जमीन में जो बीज बोएंगे वही बीज होगा, अगर बीज नहीं डालेंगे तो खरपतवार ही उगने वाला है, आम का पेड़ चाहिए तो आम का ही बीज बोना है, फिर उसको पल्लवित करना है, पौधा बनाना है, पौधे से उसको हमें पेड़ बनाना है, पेड़ से फिर फ्रूट आएगा, और फ्रूट को हम जब बांटेंगे, उस बीजों को जब बांटेंगे तो उतने गुना और ज्यादा, फल को बांटेंगे तो मुझे इस जो दान की भी आदत पड़ेगी, और उस उन बीजों को अगर फिर से बो देंगे तो ये एक बीज
लाखों बीज को पैदा करता है, उस लाखों वृक्ष होने वाले हैं। इसी फिलॉसफी से अगर हम आगे बढ़ने लगे तो हम आगे जाएंगे। स्मार्टनेस और हमारे ब्रेन की जो पावर है इसका इस्तेमाल करते हुए इसमें एक और हमने यूज किया कि पावर ऑफ थॉट। पावर ऑफ थॉट के पहले पावर ऑफ कंपनी भी मैंने यूज की, सत्संग। हमारे शास्त्रों में सत्संग की ज्यादा महिमा बताई है, वही आपके थॉट को जनरेट करेगा। वेस्टर्न कंट्री सिर्फ और सिर्फ विचारों की बात करता है। विचार आया कहाँ से? आपकी कंपनी से आया। जैसे ये सत्संग है, हम लोगों के अच्छे 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 विचार पैदा करता है। साथ ही साथ चलिए इसको हम यही एंड करते हैं। आप सभी महान आत्माओं का, अमृत पुत्रों का, आपका आपको धन्यवाद। आपने आप मुझे जो मोटिवेट किया, हमारे सभी लोगों के अंदर आत्म ज्योति को प्रकाशित करने का जो अनमोल योगदान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एम के सेठ साहब। आज आपने आनंद में सफलता पाने के आसान रास्ते का भाग 13 लिया, और इस संबंध में अब जिस किसी की कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न बनता है तो वो आदरणीय एम के सेठ साहब से पूछ सकते हैं। सर, हमें पता है कि आप बहुत दूरदृष्टा हैं, तो इसलिए आपकी दृष्टि के तो हम कायल हैं सर, आपके मुरीद हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप ना रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के होते होते जिन जिन भावों में बहते चले जाते हैं, ये आपकी अच्छाई भी है और आपके साथ ये लिमिट भी है। आप ये भूल जाते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं, क्योंकि आप भावनाओं में और विचारों के जो गंगा में इस तरह से डुबकियां लगाते हुए सब खुद भी तैरते रहते हैं और सामने वाले को भी तैराते रहते हैं। ये वास्तव में हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपके पिछले एपिसोडों की तरह ही आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा रहा। और जैसा कि नैब साहब ने एक वैलिड क्वेश्चन उठाया था और उसी के रेफरेंस में आपने आज उसे थोड़ा सा ब्रीफली आपने अपने आप को उस पर क्या कहूँ कंसोल कर दिया है उसको, और फर्दर आप जैसे भी उसको करेंगे हमें उसकी प्रतीक्षा रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय बागी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय एम के शेर साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि विचार के साथ तीन बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ। इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा धूप हो या छाव, काली रात हो या बरसात, या कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ। क्या बात। ने कहा धूप हो या छाव, काली रात हो या बरसात, या कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ। इसलिए मैं जीत जाता हूँ, तू भी मेरे साथ चल कभी नहीं हारेगा, तू भी मेरे साथ चल कभी नहीं हारेगा। आइए तीन बार उनका चरण करते हैं। देव साहब, चौधरी साहब और अरविंद जी और हमारे वागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देव साहब चरण स्पर्श। शांति। शांति।